हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म टारगेट गुरुकुल। मेरा नाम है ज्योति साहनी, मैं हूँ आपकी मैथ्स मेंटर। आई होप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एंट्रेंस एग्जाम की जर्नी क्लियर करके अपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुके होंगे। ठीक है, तो बच्चों देखो, एडमिशन ले चुके होंगे तो आपका जो भी बहुत जगह क्लासेस स्टार्ट हो गया होगा, अलग अलग यूनिवर्सिटी की बात किया जाए, और बहुत जगह अभी नहीं स्टार्ट हुआ होगा, तो बच्चों को उनके सिलेबस के बारे में मतलब पता है कि नहीं पता है। जो भी बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में आ गए हैं, आज इस वीडियो में मैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जो भी है, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर ये मैथमेटिक्स का क्या है सिलेबस है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि आपको कितना पढ़ना है, कौन कौन सी बुक पढ़ना है, मतलब इसमें दो बुक पढ़ना है आपको ही पता है कि। देखिए सबसे पहले बता दूं, बीएससी क्या है कि आपका 3 ईयर का क्या है कोर्स है, और जिसमें भी दो दो सेमेस्टर है, मतलब कि हर साल आपको 2 सेमेस्टर देना है। पूरा मिला के आपको पूरे 6 सेमेस्टर से गुजरना है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में आपको फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर रहेगा, इवन और ऑड करके चलता है। और मैं बता दूं, इवन के लिए क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब कि सेकेंड फोर्थ एंड सिक्स के लिए। अभी के लिए तो यही रूल है कि आपका क्या चलेगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव चलेगा जो भी पेपर होगा। एंड जो ऑड वाला है, जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड एंड फिफ्थ के लिए बोला गया है कि ये सब्जेक्टिव होगा, मतलब आपको बहुत डिटेल तरीके से पढ़ना है। और अगर जैसे कि ऑब्जेक्टिव होता है तो बच्चा थोड़ा कम ही पढ़ के जाएगा तो भी चीजों को कर ले जाएगा। कुछ बच्चे तुक्का मार के भी ले जाते हैं आंसर, ऐसा नहीं करना है। मैथ से बहुत अच्छे से डिटेल्स में पढ़ना है, हर एक क्वेश्चन, हर एक टॉपिक को कंसेप्ट वाइज, मतलब उसको कंसेप्ट को क्लियर करना है, देन फिर क्वेश्चन पे आना है। मेरे पढ़ाने का तरीका आप भी जानते हो, सबसे पहले मैं टॉपिक को उठाती हूँ, फिर उसके कंसेप्ट को क्लियर करती हूँ। जो भी बच्चा मुझसे पढ़ा होगा बैच में उसको तो पता ही होगा। ठीक है, फिर उस पर क्वेश्चन हम लगाते हैं, देन उसके बाद हर चैप्टर में मैं ऐसे ही करती हूँ। फिर इन द लास्ट जब हमारा एग्जाम आने वाला होता है, जैसे एंट्रेंस में मैंने कराया था, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो सेम रूल मैं यहाँ पर भी लगाने वाली हूँ। और हाँ, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, मैथ्स में प्रैक्टिस बहुत मायने रखता है। और अगर आपने मैथ्स को और इम्प्रूव करना चाहते हो, और जैसे होता है ना कि चाहे कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, मैं कुछ चीजों को क्या होता है कि आप पढ़ के भी दे सकते हो, लेकिन मैथ्स में क्या है, आपको यहाँ पर अब चीजें लॉजिकल वाली चीजें आएंगी। पहले हम 12th क्लास तक की ज्यादा चीजें क्या होती थी, न्यूमेरिकल से बेस्ट होता था, लेकिन जैसे जैसे आप एक एक कदम आगे बढ़ते जाओगे ना, तो चीजों को अपने मतलब माइंड से क्या है, लॉजिक लगा के चीजों को प्रूफ करना और चीजें जो भी क्वेश्चन को सॉल्व करना, ये चीजें आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपके मेंटल एबिलिटी को तेज किया जाता है, ताकि आप लोग जो होता है ना तर्क करने की शक्ति, जैसे रीजनिंग भी क्या होता है, तर्क शक्ति को क्या करता है, अधिक करता है आपको, मतलब बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। तो यहाँ पर भी जो हमारे बीएससी एमएससी का मैथ होता है वो भी यही करता है। ठीक है, ये लॉजिकल सारी चीजें होती हैं। और देखो भाई, जो भी यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग कर रहे हो, चाहे वो डीडी हो, चाहे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो, या अलग जितने भी मतलब स्टेट लेवल यूनिवर्सिटी आ रही है, अगर उस पर आपका ये सिलेबस मतलब है, जैसे ये दोनों बुक हैं, ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस, तो आप पढ़ इस सिलेबस को देख सकते हो, और हम जब क्लासेस लेंगे तो उस पर पढ़ भी सकते हो। ओके, तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में तो फर्स्ट वाला पेपर जरूर दिया जाता है, डिफरेंशियल कैलकुलस। तो देख लीजिए भाई, ये दो पेपर है, आपको दो बुक है, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। इसी के सिलेबस के बारे में आज हम सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं कि क्या पढ़ना है। बुक रेफरेंस में भी है, और कुछ बुक मैं भी बताऊंगी जो आपकी चीजों को आसान कर देगी। और आपको और भी टफ लगेगा तो हमारे बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो, जो कि सारथी बैच है, उसके बारे में भी डिटेल्स में भी मैं बताऊंगी। ठीक है, तो देखिए भाई, पहला पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट, आपकी फर्स्ट बुक जिसमें कि आपकी 4 यूनिट है, सेकेंड बुक में जो इंटीग्रल कैलकुलस है, मतलब कि आपको देख रहे हो कि कैलकुलस वाला पार्ट यहाँ पर हमें फर्स्ट सेमेस्टर में कंप्लीट करना है, जिसमें से भी आपका डिफरेंशिएशन है और इंटीग्रेशन। और 12th क्लास में सबसे टफ किसको माना जाता था, इंटीग्रेशन को माना जाता था। ठीक है, तो इंटीग्रेशन को माना जाता था, बच्चा वहां डरता था इंटीग्रेशन से सबसे ज्यादा, लेकिन ये चीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बस उसके पता है, अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर है आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के, तो भाई यहाँ पर काम आएगा ये चीज। ठीक है, मगर हाँ, बहुत भी यहाँ पर सारी चीजें नहीं आ जाएंगी, उससे हमें 10 गुना समझ लो 10 कदम आगे बढ़ के चलना है। कि हमने 11th 12th में जो पढ़ा है वो बहुत आसान था भाई, बहुत आसान था, लेकिन यहाँ पर चीजें थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, बट कोई नहीं, हम बहुत ही इजी तरीके से पढ़ने वाले हैं सारी चीजों को। देखो, जो फर्स्ट यूनिट पे क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस तो हमारे ऐप पे मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, और टारगेट सेमेस्टर को भी जरूर क्या करना, सब्सक्राइब कर लेना, और सारी चीजें वहां पर आपको क्लासेस वहीं पर मिलेंगी कुछ, और आपको बैच जो रहेगा मैं लास्ट में बताऊंगी। ओके, तो देखिए
यहाँ पर क्या है कि जो फर्स्ट है आपका डिफरेंशियल, यहाँ पर डिफिनेशन ऑफ अ सीक्वेंस, सीक्वेंस आपने पढ़ा होगा ना, सीक्वेंस सीरीज वाला नहीं, थोड़ा सा टफ है, हल्का सा हम लोग आगे बढ़ के चलेंगे यहाँ से। और फिर क्या है आपको लिमिट, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंसिबिलिटी, थोड़ा सा 12th क्लास वाला, 11th 12th क्लास वाला पढ़ लेना, बेसिक चीजें क्या है क्लियर कर लेना। आप लोग को एग्जाम में इतना टाइम हो चुका है तो आप लोग चीजों को भूल जाते हो, लेकिन क्या होता है कि कनेक्टिविटी होनी चाहिए। हम हमेशा बोलते हैं जी कनेक्टिविटी इज द ब्यूटी ऑफ ए मैथमेटिक्स, अगर कनेक्टिविटी बनी हुई है आपकी तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर आपको चीजों को आसान कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये सारी चीजें आपको सारे क्या है पीडीएफ हमारे ऐप पे मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, सारी चीजों को ज्वाइन कर लेना और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर बाउंडेड है, मोनोटोनिक सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, कॉची, यहाँ पर कॉची जो है थ्योरम आपको देखने को मिलेगा, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वो आपको हर जगह देखने को मिलेगा, मैं टिक करते जाऊंगी कि कौन कौन सा पार्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देखो कॉची फर्स्ट एंड सेकेंड थ्योरम ऑफ ए लिमिट, ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, फिर लिमिट है सुपीरियर और आपका क्या है इंटीरियर वाला, और फिर सीक्वेंस का। ठीक है, सीक्वेंस की क्या है हमें लिमिट निकालने पड़ेंगे और कुछ फॉर्मूले यहाँ पर भी आपको याद करना पड़ेगा जो यहाँ पर यूज होगा। ये देखो भाई फॉर्मूले का भी खेल है यहाँ पर, तो आपको कुछ चीजें याद भी करना है, कुछ चीजें समझना है, दोनों करना है। ऐसा नहीं है कि हर चीजें हम कंसेप्ट समझ के चलेंगे, कुछ चीजों को तो याद करना ही पड़ेगा आपको। फिर देखो यहाँ पर क्या है कैंटर थ्योरम है, फिर आपको ऑन क्या है नेस्टेड इंटरवल और सब सीक्वेंस, सीक्वेंस पढ़ लिया तो सब सीक्वेंस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। देन आपको जो ये सेकेंड टॉपिक है, ठीक है, इसके लिए आपको लिमिट कंटिन्यूटी जरूर, डिफरेंसिबिलिटी 11, 12 जो भी पढ़े हो उसमें, जैसे हमने 12th के बारे में क्या है इसमें ज्यादा पढ़ा है डिफरेंसिबिलिटी के बारे में, और आपको लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंसिबिलिटी के बारे में हमने 12 में ज्यादा पढ़ा, लिमिट का जो चीजें हमने 11 में कंसेप्ट क्लियर किया था। तो दोनों चैप्टर को ये जो टॉपिक है इसको जरूर कंप्लीट कर लेना, किसमें मतलब कि बेसिक कंसेप्ट को, ताकि यहाँ पर वो चीजें काम आ जाएगी। ठीक है, ऑफ ए सिंगल वेरिएबल, वन वेरिएबल सेकंड वेरिएबल तो जानते ही हो गए, तो यहाँ पर सिंगल वेरिएबल के बारे में पढ़ा, कॉची डिफिनेशन। ठीक है, यहाँ पर देखो कॉची फर्स्ट एंड सेकंड थ्योरम तो अभी लिमिट से क्या है रिलेटेड था, और फिर देखो छोटे छोटे पॉइंट से जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको बताऊं, कि जब हम क्लास करेंगे ना हर एक पॉइंट का कंसेप्ट के साथ मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी, पहले थ्योरम के कंसेप्ट को समझेंगे, उसका प्रूफ देखेंगे, देन उस पर बेस क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम है, जो आपने शायद 12th क्लास में जैसे रोल थ्योरम वगैरह पढ़ा था ना, यहाँ पर भी यहाँ पर तो वहाँ पर थोड़ा सा पढ़ाया गया था कैलकुलस में, लेकिन यहाँ पर आपको डिटेल्स पे पढ़ना है। लैग्रांजे एंड कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, फिर मीन वैल्यू थ्योरम है यहाँ पर, और फिर हायर ऑर्डर का है। ठीक है, आपको क्या है सेकेंड ऑर्डर भी पढ़ना है, हायर ऑर्डर भी पढ़ना है, हायर ऑर्डर में आपका क्या कहते हैं सेकेंड थर्ड फोर्थ भी दे सकता है। ठीक है, टायलर थ्योरम ये भी इंपॉर्टेंट है, विथ वेरियस रिमाइंडर, ठीक है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, लेविंज थ्योरम पढ़ना है, और फिर आपका टेलर सीरीज है, एक्सपेंशन ये भी इंपॉर्टेंट है, फिर फोर्थ वाला जो आपका यूनिट है पार्शियल डिफरेंशिएशन है। और देखो डिफरेंशिएशन हमने पढ़ के आया है, लेकिन पार्शियल यहाँ पर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ना पड़ता है, और सेकेंड में भी आएगा इसका काम। ठीक है, और मैं देखो यहाँ पर होमोजीनियस फंक्शन है, आयलर थ्योरम है होमोजीनियस फंक्शन, फिर डेडिकेशन एंड फ्रॉम डिडक्शन फ्रॉम द आयलर थ्योरम, जैकोबियंस और इट्स प्रॉपर्टीज, ये पॉइंट है ना, ये वाला पार्ट क्या है इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इस पर टिक कर देती हूँ। ठीक है, और ये वाला, ये दो पॉइंट ज्यादा, इन चारों में से अगर मैं किसी को इंपॉर्टेंट देती हूँ तो इन दोनों को ज्यादा देती हूँ। ओके, फिर एसिम्प्टोट्स, इस पे क्वेश्चन आते हैं कल, यहाँ पर कर्वेचर से, इनवलप और इवलेट से। ठीक है, एंड देखो ये फर्स्ट बुक था आपका डिफरेंशियल कैलकुलस, एंड सेकेंड बुक पे आते हैं हम, देखिए इंटीग्रल, जिससे बच्चे डरते हैं बहुत 12th क्लास में, बहुत मतलब भागते हैं इस चीजों से, लेकिन आपको भागना नहीं है, उसके बेसिक कंसेप्ट को यहाँ पर यूज करना है। ओके, फॉर्मूले को आप लोग रट लेना, मैं तो यही कहूंगी समझ के ही लेकिन याद कर लेना। फिर देखिए यहाँ पर लोअर, यहाँ पर फिफ्थ आपका क्या है, मतलब पूरे 8 यूनिट देखने को मिलेंगे, लोअर एंड बाउंड, अपर बाउंडेड, सुप्रीमियम और इंफीमियम ऑफ द सबसेट। देखिए सेट की बात आ गया यहाँ पर, तो आपको सेट रिलेशन फंक्शन के कंसेप्ट क्लियर रहने चाहिए। ठीक है, फिर इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज है, ठीक है, कंप्लीटनेस ऑफ ए आर रायमन इंटीग्रल एंड इट्स प्रॉपर्टी, इंटीग्रेबिलिटी ऑफ ए कंटिन्यूअस एंड मोनोटोनिक फंक्शन, फंडामेंटल थ्योरम, ये इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ए इंटीग्रल कैलकुलस, मीन वैल्यू थ्योरम भी इंटीग्रल कैलकुलस का इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन अंडर दिस साइन इंटीग्रेशन, और भी मैं क्वेश्चन एनालिसिस कर लूंगी तो और अच्छे से चीजों को आपको क्लास में बताऊंगी। ठीक है, फिर बीटा गामा फंक्शन है, ये पॉइंट भी
इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कर्व की ट्रेसिंग करना यहाँ पर सिखाया जाएगा कार्टेशियन एंड पोलर फॉर्म में। फिर इम्प्रॉपर इंटीग्रल एंड देयर क्लासिफिकेशन, कन्वर्जेंस एंड कंपैरिजन टेस्ट। यू यहाँ पर म्यू टेस्ट लिखा है, म्यू का साइन ऐसे बनता है, ठीक है। फिर आपके देखिए एरिया ऑफ ए कर्व, यहाँ पर कर्व है, लेंथ ऑफ ए कर्व है, कर्व्स के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कि आपको यहाँ से ज्योमेट्रिक वाला पार्ट थोड़ा सा अच्छा खासा मिलेगा। फिर ये सारे पॉइंट्स हैं जो हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और देखिए ये वेक्टर, ये एट वाला क्या है, वेक्टर डिफरेंशिएशन है, पॉइंट फंक्शन है। 12th क्लास में वेक्टर पढ़ा है, वेक्टर यहाँ पर काम आने वाला है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम आने वाले हैं, ठीक। वेक्टर डिफरेंशिएशन और यहाँ पर क्या है, आपके ऑपरेटर से, ग्रेडियंट से, फिर डाइवर्जेंस से, जैसे कन्वर्जेंस पढ़े हैं यहाँ पर डाइवर्जेंस पढ़ना है, ओके। क्यूरल नॉर्मल ऑफ द सरफेस और यहाँ पर डायरेक्शनल डेरिवेटिव सेकेंड ऑर्डर का पढ़ना है, ना कि फर्स्ट ऑर्डर पढ़ना है ऑपरेटर। फिर लैप्लासियन ऑपरेटर, वेक्टर इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रेशन, ठीक है, सर्कुलेशन, वर्क बाय द फोर्स, ओके। और फिर सरफेस इंटीग्रेशन, वॉल्यूम इंटीग्रेशन, फिर गॉस थ्योरम पे भी पूछता है आपका, ग्रीन स्टॉक थ्योरम, ये तीनों इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ओके, विद अ प्रूफ एंड रिलेटेड प्रॉब्लम। ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्या कहते हैं टॉपिक, ये तीनों थ्योरम और इसकी क्या है रिलेटेड प्रॉब्लम जितने भी आएंगे। तो ये तो सारे थे आपकी क्या, कुछ चीजों को मैंने बहुत नहीं बताया है, वो सारी चीजें क्लास में डिस्कस करेंगे। कुछ रेफरेंस बुक दिया है, अभी मैं रेफरेंस बुक के बारे में बात करूं तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटी क्या बोलती है कि आप एस चांद की बुक ले सकते हो, और उससे भी अगर उसकी लैंग्वेज सही होती है बच्चों को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होता है, मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में ही यूज होता है। एंड सेकेंड आप बंद्रा पब्लिकेशन बहुत ईजी चाहते हो तो उसकी लैंग्वेज बहुत ईजी होता है, वो भी पढ़ सकते हो, ठीक है। और जो आपकी यूनिवर्सिटी जहाँ भी आप कर रहे हो, अगर वहाँ के जो भी प्रोफेसर होते हैं आपको सजेस्ट करते बुक, तो आप वो भी ले सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें थी। अब मैं बात करती हूँ कि अगर आप तैयारी करना चाहते हो, ठीक है, बहुत बेहतर तरीके से, तो हमारा टारगेट गुरुकुल आपके लिए एक बैच लेकर आया है, जिसका आप जानते हो कि जो भी सेमेस्टर एग्जाम होता है उसकी तैयारी हमारे टारगेट सेमेस्टर क्या कहते हैं यूट्यूब चैनल पे भी कराया जाता है, और सारथी बैच में, जो कि सारथी बैच आपको कहाँ मिलेगा, टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, नहीं तो प्ले स्टोर पे भी जाके डाउनलोड कर सकते हो, ओके। तो देखो भाई बहुत ही कम कॉस्ट में, ठीक है, बहुत ही कम कॉस्ट में आपको क्या है यहाँ पर प्राइस दिया हुआ है, इतने में आपको इतनी सब्जेक्ट की क्या मिल सकती है, सब्सक्रिप्शन मिल सकती है। देखो यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जियोलॉजी, बॉटनी, ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट के लिए, ये सारे के लिए है, ठीक है। अब देखो इसमें फीचर्स क्या क्या होने वाले हैं, थ्योरी क्वेश्चन मिलेंगे क्योंकि ये क्या है सब्जेक्टिव है, तो थ्योरी क्वेश्चन मिलेंगे। क्लास नोट्स, जो भी पढ़ाया जाएगा वो एज इट इज आपको क्लास नोट्स दिया जाएगा, पीडीएफ दिया जाएगा, ऐप के अंदर दिया जाएगा, ठीक है। एमसीक्यूज तो होने वाला नहीं है तो इसको छोड़ दो। फिर शॉर्ट नोट्स दिए जाएंगे, और जो क्या कहते हैं मेंटरशिप है वो हमारे द्वारा दी जाएगी। तो हर सब्जेक्ट की अलग अलग टीचर है, मैं मैथ की हूँ तो मैं मैथ के लिए हूँ, ठीक है। तो आपको जो भी प्रॉब्लम होगा वो हम सारी चीजों को मतलब क्लास में भी डिस्कस करेंगे, और आपको जो भी डाउट लगेगा जितनी चीजें मैंने समझाया है, ठीक है, तो आप क्या करना कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आई होप ये सारी जितनी भी मैंने बातें बताई हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।